बोल शंकर भगवान की, बोल गणेश भगवान की। अरे जरा सिंध बलवान की है जग जाहर शान, कि जरा सिंध से लड़न खे सज गए भीम बल। धर्मराज महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे राजस्व यज्ञ करने की बड़ी अभिलाषा है। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज जब तक जरासंध वीर इस धरनी में रहेगा तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। भीम को भारी गुस्सा आती है और कहते हैं कि मैं लड़ूंगा उस बैरी के साथ, उसको मार के और यज्ञ करवाऊंगा मैं अपने बड़े भाई। अरे लड़े देखे जरासंध जोधा से सज गए हैं भीम बल। कृष्ण ने राजा धर्मराज से कहा कि तुम राजस्व यज्ञ करने की ठान जरूर ठान रहे हो, मगर जरासंध की जियत में तुम यज्ञ सफल नहीं कर पाओगे। तब भीम के गुस्से आ जाती है, कहता है कि मैं जरासंध से युद्ध करके उसको जान से मारूंगा। और क्या कह रहा है भीम, तान सीना रण कर हो कहे भीम बलवान जरासंध से में, कि काबुई भर जोधा पजो अरे वीर मरद को लाल, अरे पड़े गदा जब भीम की रे पट जे ताने की।
देखूंगा उस जरासंध के कैसा वीर है। अरे जिस वक्त जब मेरी गदा की जब मार पड़ेगी नहीं तो बैरी की तन की खाल पड़ जाएगी। अबे उसके वीर मिले कहां है लड़वे किनाने। और क्या कहता है भीम गरज करके, समर में आज में हो लड़के लऊ बेरी की जान पटक छाती में, कि समर छोड़ के भग दए बड़े बड़े बलवान। रे जब पढ़े भीम को सामनो रे भाग दे छोड़ मैं। जरासंध के जब भीम को सामना जब पड़ेगा और जब भीम की मार पड़ेगी तो समर छोड़कर भाग जाएगा। अबे उसने भीम की मार देखी कहा है और क्या कह रहे हैं भीम। भीम गरजे बलधारी उर के अर्जुन भैया सुनो रे संग में तुम्हें घेरे कि जल्दी चलो जल्दी करो देखे हैं के सारण धीर। अरे मैं बेरी खे मार हो रे बिन मारे बंधे Oh, oh, oh.
भैया अर्जुन तुम भी हमारे साथ में चलो। और कृष्ण कन्हैया से कह रहे कि कन्हैया तुम भर कृपा करो, हमें कोई वीर का डर नहीं है, जल्दी करो, जीरा मारत नहीं है, कहाँ है वो वीर, जल्दी मेरे सामने करो। तो क्या होता है, वीर तीनौ बलधारी कृष्ण धनंजय भीम तुरत कर ले तैयारी। तीनों वीरों ने तुरंत तैयारी कर लेते हैं। तो कैसी तैयारी करते हैं कि तीनों ब्राह्मण बन गए कि जरासंध के द्वार, जरासंध के द्वार में चले जाते हैं। अरे कर आदर केहने लगो रे दिलवारो वीर ने, भीम तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जब जरासंध के द्वार में जाते हैं तो जरासंध ये सोचता है कि आज तो महान मूर्ति मेरे दरबार में पधारी हैं और बड़े खुशी के साथ आदर सत्कार करके क्या कह रहा है वीर। देखिए वो भी वीर था, ऐसी बात नहीं कि वीर नहीं था, मगर इनके ये नहीं समझा कि ये कोई वीर है, ब्राह्मण समझ की सेवा करने जाएगा। और क्या कहता है, प्यार से बोलो बानी तुम रे दरस से आज सफल हो गई जिंदे। जरासंध कहने लगा कि गुरु महाराज तुम्हारे दर्शन से तो आज मेरी जिंदगानी सफल हो गई, क्या सेवा तुम्हारी करो सो जल्दी बतला। अरे कछु मांगने हे तो मांग लो रे, अब जो मांगो सो कह रही है कि तुम्हारे दर्शन से जिंदगानी सफल हो गई, आज जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा, मांग लो आज तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कृष्ण बड़ी छलिया थे, मौका पा करके क्या कहते हैं,
बोल सुन के कान्हैया, अरे जरा सिंध से कहे मुरलिया के बजे। क्या कहने लगे भगवान कृष्ण कि धन माया ने चाहिए देव युद्ध को दान, अरे तुम रण में हमसे लड़ो रे, जब जाने तुम्हें बल। जरासिंह, तुम्हारा हमने बहुत बड़ा नाम सुना है, हमें धनमाया की जरूरत नहीं है, अगर तुम देना चाहते हो तो हम युद्ध का दान मांग रहे हैं, हमारे साथ आप युद्ध करिए, अगर वीर हो तो जब ही तुम्हें हम वीर जानेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर कि जरासिंह के भारी गुस्सा आ जाती है, सोचता है कि जी ब्राह्मण नहीं कोई वीर है और मेरे साथ धोखा करे है। बड़े क्रोध में क्या कहता है, जानती नौखे घाती सुनत कृष्ण के बोल वीर किरे जले गई। भारी क्रोध में हो जाता है जरासंध और क्या कहता है कि तुम तीनों सूरमा कौन हो सो हमें के बतलाओ, अरे नाम से वर्णन करो रे, नहीं ती नहीं मारे। अपने नाम से मुझे सच्ची पता बताई, नहीं तो तीनों मारे जाओगे, तुम समझते नहीं हो कि वीर ये जरासंध वीर है जिसके नाम सुने से बेरी थर थर करते हैं। और क्या कह रहा है, भाव में कर खे राजी और तुम तीनों ने आज करे रे बड़ी धोखा। कहने लगे मैं तो जानता था कि कोई पहुंचे पुरुष आ गए मेरे दरबार में, मगर तुम तो तीनों बेईमान दिख रहे, मगर ये धोखा में नहीं रहना। कहने लगे मेरे घर में आके लड़ाई की बात, अरे हाथ बिले में डार खे मौत लई है मांग, अरे बिना डसिए ने छोड़े है रे, जो आज कालियो
तुम मेरे घर में आकर मुझसे झगड़ा ठान रहे हो। अरे ये नहीं जान रहे हो कि जैसे सर्प के बिले में हाथ डालने से कोई निर्दाग नहीं बचता, नाक डसी देता है, इसलिए मैं भी तुम्हारा काल समझू। तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। और बोलो तुम कौन हो, जल्दी बोलो, नहीं तो घटाक से। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, नाग के नाथन हारे जरा सिंध से केहरे मनोहर मुरेली। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैं देवकी को लाल हूँ, सुनो जरा धर ख्याल, अरे जे दोई अर्जुन भी मेरे। अब तुम रे जी के अब तुम बचने वाले नहीं हो, मैं देवकी का लाल हूँ और ये दोनों कुंती के लाल हैं अर्जुन और भीम, ये समझ जाने कि तुम्हारे जी के काल हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हें अपनी रंगदारी बता पर, अब तुम्हारी शान कैसे नहीं चलेगी। और क्या कह रहे हैं, शान लख रिस छा गई है अब देरी नहीं, बचो रे मौत तुम्हारी। कहने लगे अब तुम्हारी मौत आ गई है। और क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, लड़बे की हिम्मत होए तो अरे कर बाहर आ, नई घर में घुस के मारे हैं रे, अब जिंदा ने बस से कहे कि बाहर निकल आओ दंगल में, तो घर में घुस के मारेंगे आज। तो जरा सिंह को भारी गुस्सा चढ़ जाती है। क्या होता है, ताव भारी चढ़ गयो है दिलवारा, दिलदार तुरंत आगे बढ़े, सामने डट जाता है वीर। और क्या कहता है कि तुम मोरे लायक नहीं, कालनो मिला के हाथ, अरे दीन भगत साथी कह रे भगवाने द्वारिका। अरे हाँ।
क्या कहता है, अरे धोखा में बेरी ने रहने रे नहीं तो मारे जे हो, हाँ रे